बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि इसमें हमें यहाँ पर दो चीजें निकालनी है, एक हमें निकालना है बच्चों इसमें प्रथम पद निकालना है और दूसरा हमें निकालना है बच्चों इसमें साव अंतर। तो इसमें बच्चों हमको ये दो चीजें जो है निकालनी है, प्रथम पद और सार अंतर। तो सबसे पहले बच्चों आपको कुछ मेन बातें हैं कि जैसे ये जो फर्स्ट रकम होती है इसके दो नाम होते हैं, पहले इसको हम बोल सकते हैं ए और इसको बोल सकते हैं ए वन भी बोल सकते हैं। दूसरी रकम को हम बोल सकते हैं बच्चों ए टू बोल सकते हैं, ठीक है ए टू। तीसरी रकम को हम बोल सकते हैं बच्चों ए थ्री और चौथी रकम को हम बोल सकते हैं बच्चों ए फोर। याद रखना है आपने। तो सबसे पहले बच्चों सवाल में हमसे पूछा गया है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है वो हमारे पास है बच्चों वो होता है ए। अब देखो ए हमारे पास कितना है बच्चों, ए हमारे पास -5 है, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों प्रथम पद। दूसरा हमसे ये पूछा गया है सार्व अंतर, तो दूसरा हमसे ये पूछा गया है सार्व अंतर, इसको मैथ की भाषा में हम डी भी कहते हैं, तो याद रखना है आपने, तो इसको डी भी कहते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 - a1 याद रखना है बच्चों आपने। तो अब इसमें सबसे पहले देखो बच्चों a2 हमारे पास -1 है और a1 हमारे पास -5 है। तो याद रखना है बच्चों आपने कि दो निशान एक साथ नहीं आते, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लेंगे। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा -, -, +, तो 5 में से एक गया 4। तो ये था बच्चों हमारा सार्व अंतर। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट।